हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के ऊपर। ओके, पिछले वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सब के बारे में बात किया था। तो आज हम प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 106 क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है जो स्टेट करता है द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? यह है प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल क्या है? एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट करता है द रीजंस एंड द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केशव नंदा भारती केस 1973 स्टेम द क्वेश्चन दैट द प्रीएम्बल कैन। ये केशव नंदा भारती केस 1973 का, वो स्टेम करता है क्वेश्चन दैट प्रीएम्बल कैन क्या कर सकते हैं, प्रीएम्बल क्या हो सकते हैं, कैन बी अमेंडेड, प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो केशव नंदा भारती केस आपको याद होगा, ये है 1973 का केस है, 1973। ओके, स्टेम द क्वेश्चन उठाया था कि जो प्रीएम्बल है वो अमेंड किया जा सकता है। This case has created a history. For the first time, a bench of 13 judges, पहली बार 13 judges का bench, ठीक है, 13 judges का bench तो है वो assemble हुआ और एक original jurisdiction hearing दिया, the writ petition, result about the preamble, ठीक है। पहला क्या था? The preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution. जो preamble है Constitution का, वो Constitution का part है, ठीक है। Next question, the preamble is not a source of power. ये प्रीएम्बल जो है वो पावर का सोर्स नहीं है, नॉट अ सोर्स ऑफ लिमिटेशंस, ना ही एक पावर का सोर्स है और ना ही लिमिटेशंस का सोर्स है। नेक्स्ट है, द प्रीएम्बल हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट, ऑल्सो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट में एंड ऑल्सो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशव नंदा भारती केस, इट वॉज सेपरेट दैट प्रीएम्बल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आफ्टर 1976 के बाद बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 के अंडर में हम प्रीएम्बल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रीएम्बल का है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जो टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वे एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसको सोशलिस्ट, सेकुलर एंड आई से इंटीग्रिटी, ये तीन को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है, और अभी तक एक ही बार ये अमेंड हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट है, डैश डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, क्या इंडिया को सेकुलर स्टेट की तरह डिस्क्राइब करता है? तो ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया को एज अ सेकुलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेयर द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेकुलरिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये टर्म कब ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, इसको ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ द ऑफ एन इंडियन सिटीजन ड्यू टू द इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। इनमें से कौन सा राइट है इंडियन सिटीजन का ड्यू टू इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, क्या है? फर्स्ट, राइट टू फॉलो द रिलीजन एज पर देयर विल, डिजायर्ड फ्रीडम। तो यही बोलता है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं एज पर विल और डिजायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म के बाद इंडियन सिटीजन्स जो है वो हैज़ अ राइट, इंडियन सिटीजन के पास राइट है, फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं। सेकुलर का मतलब होता है डेट गवर्नमेंट विल नॉट ग्रांट रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन टू एनी रिलीजन।
तो गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट नहीं करेगी रिकॉग्निशन या तो प्रोटेक्शन कोई भी एनी पार्टिकुलर रिलीजन को. इट विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. तो हर रिलीजन को वो इक्वली ट्रीट करेंगे. ठीक है, ये है सोशलिज्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिज्म डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किस में से ये सोशलिज्म जो है अपना इंस्पिरेशन डिराइव करता है. ये है आपका रशियन रिवॉल्यूशन. तो द टर्म सोशलिज्म ये इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन से ये इंस्पायर्ड है. ओके, रशियन रिवॉल्यूशन से ये इंस्पायर्ड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द थॉट ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड. तो कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें जो मेकर्स के थॉट है वो रिफ्लेक्ट करके आते हैं. ये है प्रीएम्बल के अंदर. द थॉट है फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रीएम्बल के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड द प्रीएम्बल समराइजेस द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रीएम्बल जो है वो समराइज करता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करता है. ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट एंड आइडियाज ऑफ इट्स मेकर्स. तो कौन करता है? ये है प्रीएम्बल. आइडियाज़ को वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंडिया के ऊपर. इंडिया इज अ थियोक्रेटिक कंट्री. नहीं, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. राइट, सेकुलर कंट्री है इंडिया. इज देर इज अ डेफिनेट स्टेट रिलीजन इंडिया. नहीं, बहुत सारे हैं. जस्टिस इज गिवन ओनली टू इंडियंस लिविंग इन द कंट्री. गलत, और भी लोगों को मिलता है जस्टिस. तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. इट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. इनके पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. वर्ड सेकुलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रिलीजन्स. इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ सेकुलर स्टेट बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक मेंशन इन द प्रीएम्बल. इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिपब्लिक का मीनिंग वो नहीं करता इंडिकेट जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है. तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर सर्टन पीरियड. जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्टन पीरियड के लिए. पॉलिटिकल सॉवरनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन. जो पॉलिटिकल सॉवरनिटी है वो लाई करता है पीपल में लाई करता है एंड नॉट वन पर्सन में लाई नहीं करता. ठीक है, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एवर इन द एबसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास. तो इसमें क्या बोला गया है? नॉट इंडिकेट रिपब्लिक जो मीनिंग है उसको नॉट इंडिकेट नहीं करता है. तो एट द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ अ हेरिडिटरी किंग. तो ये जो हेरिडिटरी किंग वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी इंडिया में लाई नहीं करता. तो सो द रिपब्लिक जहाँ पे प्रिंसिपल वेयर इन प्रिंसिपल एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री. कोई भी जनरल पब्लिक जो है वो हाई पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सच अ रूल इज कॉल्ड रिपब्लिक. इसको हम रिपब्लिक बोलते हैं. इन ऑप्शन दी द वर्ड रिपब्लिक डज नॉट इंडिकेट इज मीनिंग. रिपब्लिक इज अ स्टेट. एक रिपब्लिक स्टेट है इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाई द पीपल एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इट हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट रादर दैन ए मोनार्क. यहाँ पे मोनार्क नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्टेड हेड होते हैं. ओके, और पावर भी पीपल के हाथ में होता है, ना कि कोई एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड रिपब्लिक यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स. जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? द हेड ऑफ द कंट्री इज हेरिडिटरी. गलत हो गया. दैट द हेड ऑफ द कंट्री इज इज कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर. ये भी गलत है. रूलर. दैट द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये सही है क्योंकि हम इलेक्ट करते हैं उनको. इन द मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है नॉर्थ कोरिया साइड में? द हेड ऑफ द स्टेट यूजली द किंग और क्वीन होल्ड्स ऑफिस. वो किंग और क्वीन ऑफिस होल्ड करते हैं थ्रू सक्सेशन. उसके पापा के बाद उसका बेटा बनेगा. ऐसे एज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में भी ऐसा होता है. इन द सेम वे रिपब्लिक. इन द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि यूएसए में भी आपका कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पर चेंज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव हेड. तो ये इंडिया यूएसए में एक जैसा है. ब्रिटेन में आपका सक्सेशन फॉलो करता है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीजनशिप. तो इसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ क्योंकि प्रीएम्बल का टॉपिक बहुत छोटा है. तो इसमें ही आप कवर कर सकते हो इसको. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज़ प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप. तो क्या है इनमें से कौन सा था? ये सी है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. आई थिंक मुझे दूसरा वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि
टॉपिक वाइज रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा. ओके तो प्रियाम्बल का टॉपिक वो था. तो अब हम सिटीजनशिप के लिए अलग वीडियो बनाएंगे तब तक, इसलिए आप वेट करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.